Good afternoon and welcome to the Friday Facebook Live. And myself, Dr. Vachinibad. Today, let's talk on robotic and minimal invasive cardiac surgery. And for that, we have our expert, Dr. Amit Chandran, who is a consultant cardiovascular and thoracic surgeon and also minimal invasive cardiac surgeon and heart transplant surgeon. Doctor, welcome to the talk good afternoon good I'm afternoon Svachini, but yes, yes it's pleasure to be here yeah thank you and same you so sir let's begin with the everything detailing and everything briefing regarding the robotic and minimal invasive cardiac surgery so please explain to our viewers and friends that what is this what is this robotic surgery what is this minimal cardiac surgery so uh if I talk about robotic surgery तो ट्रेडिशनली जो सर्जरी की जाती थी वो यहाँ से स्टर्नम को ओपन करके जिसको हम ब्रेस्ट बोन या आ, स्टर्नम बोल भी, बोन भी बोलते हैं उसको ओपन करके ऑपरेशन किया जाता था बट मिनिमल इनरेज्यू में हम वही सेम ऑपरेशन एक छोटे इंसिजन से जो कि पाँच से छः सेंटीमीटर का होता है राइट या लेफ्ट साइड के आ, चेस्ट वॉल को कर सकते हैं जिसमें हम रिब्स के बीच में जाके हार्ट को अप्रोच करते हैं और जो सर्जरी है वो की जाती है रोबोटिक सर्जरी उससे भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है जिसमें uh, तीन से चार होल्स किए जाते हैं रिप्स के बीच में uh, रा, राइट या लेफ्ट साइड में और रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो उसमें uh, उसके उसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं और ऑपरेशन किया जाता है तो बेसिकली जो रोबोटिक सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं okay. जो एक पार्ट होता है वो पेशेंट के पास होता है

तो ओपन हार्ट सर्जरी में जैसे मैंने बताया हम स्टर्नम को ओपन करके सर्जरी करते हैं okay. आ, ये काफी समय से किया जाता है ग्लोबली इंडिया में भी okay. आ, इसका फायदा यह है कि आपके सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं हार्ट के आपके आंखों के सामने होते हैं बट mm अगेन -hmm. कुछ पेशेंट्स में आ, अगर हम ट्रेडिशनल ओपन हार्ट सर्जरी की जगह मिनिमल इन्वेजिव करें तो उसका फायदा बहुत मिलता exactly. है पेशेंट्स को yes. uh, तो इसलिए हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं जो एकदम छोटा इंसिजन होता है सेम ऑपरेशन सेम ड्यूरेबिलिटी सेम नतीजा ऑपरेशन का आता है बट इंसिजन छोटा होता है okay. तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का uh, फिलोसफी यही है कि आप पेशेंट्स को uh, जो सर्जरी ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है सेम सर्जरी ब्लड लॉस इज वेरी वेरी जैसे की आपने बताया बेनिफिट उसके काफी सारे हैं ब्लड लॉस कम होता है क्योंकि कम है, exactly. कम है तो ब्लड चढ़ाने की जरूरत भी कम पड़ती है okay. पेन कम होता है और इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है और पेशेंट के लिए फायदा ये होता है कि जो जहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से जो ऑपरेशन किया जाता है अगर उसमें हम देखें आईसीयू में स्टे तीन से चार दिन का होता है तो मिनिमल इनर्जी या रोबोटिक भी एक या दो दिन में आप आईसीयू से बाहर चले जाते हो और रिकवरी टाइम जहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से जो आ, दस से पंद्रह दिन का होता है okay. यहाँ पे पांच से से छह दिन में आप रिकवर हो जाते हो okay, हैं so तो हाँ तो यंग पेशेंट्स okay. में जिनको हाँ, काम पे जल्दी जाना है जिनको फास्ट okay. रिकवरी चाहिए okay. उन लोगों के लिए yeah. ये एक्सलेंट ट्रीटमेंट है mm -hmm. उसी तरह अगर हम एक्सट्रीम एज में जाए ओल्ड एज पीपल में जुरेटिक केसेज में जाए तो अगर हम नहीं चाहते कि उनमें ज्यादा ट्रॉमा हो बॉडी को क्योंकि ऑलरेडी एज रिलेटेड इम्यूनिटी लो होती है एज रिलेटेड बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनके लिए भी काफी फायदेमंद होता है ओके सो इट इज इजी रिकवरी एंड मिनिमम ब्लड लॉस एंड द स्मॉल इंसिजन एंड द हॉस्पिटल स्टे स्टेज ऑल्सो के लिए जो स्कार उनको कम एक्सैक्टली exactly.

जो एक्चुअल सर्जरी में व्यू आता है उससे okay. वो टेन टाइम्स बेटर देख सकते हैं okay. कैमरा के द्वारा okay, okay. और जो हम जो मैं सर्जरी करता हूँ क्योंकि रोबोटिक जो कंसोल होता है उसके mm -hmm. वहां पे जॉयस्टिक होता है इट्स जस्ट लाइक वीडियो गेम Okay. तो जो मैं जॉयस्टिक so से मूवमेंट करता हूँ hmm. वो ही रिफ्लेक्ट exactly जो पेशेंट के पास जो रोबोटिक सिस्टम है आर्म्स hmm. वो रिफ्लेक्ट करते हैं okay. और सर्जरी की जाती है ओके सो इट विल बी मोर प्रिसाइज एंड प्रिसाइज आर्म या यस ओके सो सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस रोबोटिक सर्जरी सो नाउ एनी टिपिकल पर्टिकुलर प्रोसीजर हैज बीन परफॉर्मड ड्यूरिंग द सर्जरी सो कमिंग टू द प्रोसीजर्स हम सारे कार्डियक प्रोसीजर्स कर सकते हैं जो हम ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं वही हम मिनिमल और रोबोटिक कर सकते हैं तो जैसे कि सी ए बी जी सी ए बी जी प्रोसीजर है वो हम कर सकते हैं उसके लिए हम लेफ्ट साइड में तीन से चार होल्स बनाते हैं अगर वाल्व की सर्जरी यानी कि वाल्व रिप्लेसमेंट या रिपेयर करना है वो हम राइट साइड से कर सकते हैं फिर जैसे कोई

जैसे मैंने बताया कि ये पेश ये प्रोसीजर सारे प्रोसीजर्स हम रोबोटिक और मिनिमल uh, इन्वेजिव में कर सकते हैं बट okay. ये प्रोसीजर सारे पेशेंट्स के लिए नहीं होता है पेशेंट okay. सिलेक्शन uh, बहुत इंपॉर्टेंट है okay. जैसे यंग uh, पेशेंट्स में भी किया जाता है ओल्ड एज पेशेंट्स में भी किया जाता mm -hmm. है बट अगेन कुछ क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हैं जिनको हम जिसमें ये मिनिमल इन्वेजिव या रोबोटिक नहीं करना चाहिए okay. जैसे कि इमरजेंसी केसेस में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा okay. अगर पेशेंट को दूसरी बीमारियां हैं उसमें पेशेंट्स को पॉसिबल नहीं हो पाएगा okay. अगर हार्ट का पंपिंग बहुत ही कम है नॉर्मल फिफ्टी फाइव सिक्सटी होता है अगर वो ट्वेंटी फिफ्टीन 20, 15 -20 हो that. तो अगर और अगर हार्ट की साइज बहुत बड़ी हो mm -hmm. तो इन सारे पेशेंट्स में जनरली हम अवॉइड करते हैं okay. और ओवरऑल पेशेंट का बिल्ट

अगर वो काफी बार बहुत ही छोटी हो या पूरी नस्सी <laughs> खराब stenosis, हो सिनोसिस uh -huh. हो uh -huh. तो उस केस में हम अगेन अवॉइड करते हैं uh -huh. तो, तो, अच्छा। तो पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अदरवाइज यू कैन गो फॉर द ओपन हार्ट सर्जरी इफ द पेशेंट इफ द पेशेंट इज नॉट फिट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रोबोटिक एंड मिनिमल इनवेसिव वी गो फॉर ओपन हार्ट सर्जरी इज द ऑप्शन ओनली ऑप्शन अवेलेबल ओके सो एनी एडवाइस और एनी एनीथिंग सजेशन फ्रॉम योर साइड टू द पेशेंट्स रिगार्डिंग दिस सर्जरी सो बेसिकली दिस दिस प्रोसीजर एज वी नो कि बहुत ही लाभदायक है अपने पेशेंट्स के लिए तो आप जो भी पेशेंट या आपके रिलेटिव जिनको कार्डियक सर्जरी एडवाइस की गई है तो मैं यही बताऊंगा कि आप अपने कार्डियक सर्जन्स को पूछें कि क्या इस प्रोसीजर को मिनिमल इन्वर्जिव या रोबोटिक सर्जरी द्वारा किया जा सकता है या तो उनसे संपर्क करें या तो जो उनके एक्सपर्ट हैं उनसे आप Uh, कर सकते हैं okay. जैसे हम यहां मेलिंगोसिम्स में रोबोटिक कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं वी हैव एन एक्सपर्ट टीम एक्सीलेंट टीम एक्जेक्टली सो वी आर डूइंग इट रेगुलरली एंड द रिजल्ट्स आर क्वाइट एक्सीलेंट राइट सो एक वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क दैट दिस प्रोसीजर मस्ट बी कॉस्टली कंपेयर टू द ओपन हार्ट सर्जरी एंड व्हाट इज द अप्रोच फ्रॉम द पेशेंट साइड

To 15, I mean, eight to 10 days. Okay, so that expense we can at reduce expense, and compensate with the robotic yes, surgery. Yes, yes. Okay, and at last, just uh, for the viewers, you can advise regarding your how to take care of your heart and the healthy life. So yeah, uh, for healthy, for healthy heart, uh, it's better you know you take care of your body like mm -hmm. you go for a regular walk, exercise. Uh, regular exercise. Yeah. Your diet should be proper. Mm -hmm. uh, like again, less of oily stuff of course no junk food no junk food <laughs> no fast food uh, and no stress and no, i mean uh, again smoking killer, and alcohol should be yeah, avoided no addiction no yeah. addictions yeah. it's better for uh, all the viewers for the healthy heart. for the healthy <laughs> <heart>. <laughs> so thank you so much dr amit for joining us thank, thank, you. thank you so much thank you